बाकी वो डीबीटी की स्कीम थी जो किसानों की थी या बाकी तरह की चीज थी, तो जो करप्शन था इंटरमीडियरी का, बड़े करप्शन तो मतलब जितने दलाल थे वो गायब हो ही गए, जितने पावर दोकर घूमते रहते थे, नीचे के भी करप्शन का लेवल जो था, कम से कम जो लाभार्थी वाला जो लेवल जी था वो लेवल खत्म हो गया। एक उससे ज्यादा बड़ा बहुमत मिला मोदी सरकार को, लोगों ने ज्यादा विश्वास व्यक्त किया। और एक चीज जो बहुत तय थी कि मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी इन पर्टिकुलर, उनकी जो गुडविल है और उनका लोगों में जो ट्रस्ट है वो काफी ज्यादा है। वो आज भी मोदी सरकार के 101 साल पूरे हो रहे हैं, और मेरा जितना अनुभव है इतने दिन राजनीति देखने का समझने का, और इस समय में जो मैं लोगों से जितना भी बात करता हूँ या मेरा जो खुद का मानना है कि मोदी की लोकप्रियता कोविड में जिस तरह की उन्होंने हैंडलिंग की है जी, उससे बढ़ी है, लेकिन उससे संजय जी काफी बढ़ी आज हमने देखा कि, और ये बात हर मंच पर प्रधानमंत्री लगातार कहते भी रहे हैं, प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि जो केंद्र की सरकार है वो जो हमारे गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, इन सब के सशक्तिकरण के प्रति समर्पित है सरकार। क्या आपको लगता है कि इस दिशा में, क्योंकि मौजूदा कोरोना की चुनौती बहुत बड़ी है देश के सामने, इस चुनौती से पहले और इस चुनौती के दौरान ऐसे कौन कौन से संकल्प सरकार के द्वारा लिए जाते हैं आप देख सकते हैं, जिससे इनकी आत्मनिर्भरता की ओर हम कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं? क्योंकि अगर ये आत्मनिर्भर होंगे तभी देश आत्मनिर्भर हो सकता है। देखिए ममता जी, एक चीज आप देखिए, आज प्रधानमंत्री जब एड्रेस कर रहे थे, जो उनका ऑडियो वो है या जो उनका पत्र है, स्नेही जन कह रहे, जी देशवासी, स्नेही जन आप किसको कहते हैं? जिनके साथ आपका पारिवारिक या दिल का रिश्ता जुड़ा होता है वो आपके स्नेही होते हैं। तो एक तो ये एक लेवल पे, ये दूसरी जगह पे वो ये भी कह रहे हैं अंत में कि मैं शायद मेरे अंदर भी कोई कमियां हूं, मैं अपने आप को परफेक्ट क्लेम नहीं करता, और ये विश्वास लोगों में जता रहे हैं कि हम 130 करोड़ देशवासी जो हैं उनके अंदर की जो क्षमताएं हैं उसको मिलकर के आगे बढ़ें। अब वो जनता कौन है? वो जनता वही है जिसका आप नाम ले रही हैं, बहुतायत वो जनता, जब तक वो जनता जागरूक होती है, और वो जनता काफी कुछ हमारे देश निर्माण में हमेशा काम करती रही है, उनके अंदर एक विश्वास की शासन चलाने का जिम्मा सौंपा था। जाहिर है लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थीं। मोदी सरकार ने जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरी उतरते हुए सरकार की शुरुआत से ही तेजी से बड़े और कड़े फैसले लिए। शनिवार को सुबह पीएम मोदी ने जब देश के लोगों के नाम एक खत लिखा तो उसमें बताया कि कैसे उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर पिछले साल भर में तेजी से आगे बढ़ी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर आज देश सामाजिक हो या आर्थिक, वैश्विक हो या आंतरिक, हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने जनता के नाम अपनी चिट्ठी में यह भी बताया कि कैसे 2014 से 2019 के दौरान उनकी सरकार ने देश में तमाम बड़े बदलावों की नींव रखी। साथ ही पिछले एक साल की अहम उपलब्धियों का भी उन्होंने खाका खींचा, जिसने देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाया है। बीते एक वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी स्वाभाविक है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन ने जहां सेनाओं में समन्वय को बढ़ाया है, वहीं
मिशन गगनयान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पीएम ने अपने खत में किसानों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं के कल्याण को प्राथमिकता बताते हुए अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। पीएम ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में देश का प्रत्येक किसान आ चुका है। बीते एक वर्ष में इस योजना के तहत करीब करीब 10 करोड़ किसानों के खातों में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई गई है। देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में पीने का शुद्ध पानी पाइप से मिले, इसके लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। 50 करोड़ से अधिक के पशुधन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुफ्त टीकाकरण का बहुत बड़ा अभियान भी चलाया जा रहा है। किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों सभी के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित हुई है। मछुआरों की सहूलियत बढ़ाने के लिए उनको मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाने और ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए विशेष योजनाओं के साथ साथ अलग से विभाग भी बनाया गया है। आदिवासी बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए देश में 450 से ज्यादा नए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के निर्माण का अभियान भी शुरू किया गया है। सरकार की नीतियां और निर्णयों की वजह से शहरों और गांवों के बीच जो खाई है वो कम हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है जब गांव में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या शहर में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों से 10% ज्यादा हो गई।